हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल तरुण समाधान। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एफबी अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों आप बोलिएगा कि एफबी को कौन मतलब कि हैक कर सकता है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सच में ऐसा कभी नहीं होता कि अपना एफबी अकाउंट को कोई हैक कर सकता है दोस्तों, लेकिन कुछ गलती हम लोग से हो जाती है जिसके कारण से हम लोग का एफबी अकाउंट जो हैक हो जाती है या फिर कोई अदर पर्सन मतलब कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। हम अपना एफबी अकाउंट में आते हैं और आपको हम बताते हैं कि ये क्या चीज़ है दोस्तों। ये रही मेरा एफबी अकाउंट, यहाँ पर मेरा आया हुआ है कुछ। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है आप कैसे मतलब सिक्योर कर होता है ना दोस्तों, मतलब आपको हम बताते हैं कि 2014 का बाद बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लेना चाहूँगा उस फ्रेंड का, तो वो जो है ऑटो लाइकर का यूज करता था, ठीक है। तो हम लोग तभी 2014 में हमको पता नहीं था कि ऑटो लाइकर होता क्या है, ऐसा चीज़ जो लाइक बढ़ाता है ये चीज़। तो वो क्या करता था कि 2014 में वो यूज करता था अपना ऑटो लाइकर, जैसे ही मतलब वो पोस्ट कुछ भी अपना फ़ोटो डाला और उसके बाद जो उसका फ़ोटो में 1000 से ऊपर मतलब लाइक आना शुरू हो जाता, तो हम पूछते थे यार तुम कैसे करते हो कि दूसरे लाइक इतना हो जाता है और तुम्हारा फ्रेंड भी 200-300 के लगभग में है, तो फिर तुम्हारा ये 1000 कैसे मतलब कि चल जाता है। तो वो बताता नहीं था कभी दोस्तों, तो पूछते थे लेकिन वो कभी बताता नहीं था कि क्या हुआ। तो ऐसे ही करते करते वो अपना ऑटो लाइकर बढ़ाते थे। उसके बाद जो है एक दिन जो है उसका वॉल पे एक दिन जो है ऑटोमेटिक जो है गंदी सात तस्वीर शेयर होने लगा। उसके बाद उसका अकाउंट में जो है मतलब अलग तरह का कुछ भी वो मतलब शेयर नहीं करता था, ऑटोमेटिक जो है शेयर होने लगा था। तो इससे ही पता चल रहा था कि उसका एफबी जो अकाउंट, बाद में जो हम लोग कमेंट किया यार तुम ये सब गंदी सी फ़ोटो को वल्गर सब मतलब कि शेयर करते हो, तो बोलता यार हमने नहीं किया तो कौन किया, अकाउंट तो हैक हो गया लगता है तुम्हारा। तो इस तरह से जो है होने लगा। तो बाद में उसने बताया यार ऐसे होगा, एक दिन जैसा कि उसका अकाउंट ही टर्मिनेट हो गया, पता ही नहीं चला कि उसका अकाउंट वो जो फेसबुक वाला जो उसका अकाउंट को टर्मिनेट, क्योंकि वो इनलीगल काम ऑटो लाइक बढ़ा रहा था, उसका एफबी अकाउंट जो है 1 साल के अंदर में उसका टर्मिनेट हो गया। तो 1 साल के बाद फिर 2015 में वो एफबी अकाउंट बनाया। तो वो क्या ऑटो लाइकर है जो, आप कभी भी ऑटो लाइकर का यूज मत कीजिए दोस्तों। और भी होता है कि आप जो है अब ऑटो लाइकर यूज कर रहे हैं, हम अब तो यूज कर लिए हैं, बहुत आदमी तो यूज करता है दोस्तों, जैसे कि अभी भी बहुत आदमी यूज करता है ऑटो लाइकर का, मतलब अब उसको कैसे मतलब कि लॉगिन का तो ऑप्शन, जैसे ऑटो लाइकर पर जाते हैं तो उसमें जो लॉगिन का ऑप्शन मांगता है वहाँ पर परमिशन मांगता है, आप परमिशन दे चुके हैं तो आप परमिशन को कैसे हटाएं, इस चीज़ के बारे में आज हम बताएंगे। और भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप जो है बताएंगे कि आपका कौन कौन दुश्मन है, आपका कौन फ्रेंड है, आपका प्रोफाइल को अधिकतर कौन चेक करता है, ये सब भी है दोस्तों, जो कुछ सेशन को देता है आपको, मतलब कि जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपका जो है लॉगिन करने का मांगेगा, एफबी अकाउंट से लॉगिन होने के लिए बोलेगा, और उसके बाद जो आपको दिखा देगा रिजल्ट और आप जो है क्या भविष्य में बनना चाहते हैं, क्या है नहीं है, ये सारा बहुत कुछ ऐसा आपको फ्रेंड सब देखने में। तो वो सब भी जो है दोस्तों ये गलत है, ये सब बहुत मतलब इनसिक्योर सब चीज़ है, ये सब चीज़ में बिल्कुल भी ध्यान ना दें और जो है आप ये नहीं करें। तो यही चीज़ जो है हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है इस चीज़ से बच सकते हैं। तो मेरा जो है हम भी ये चीज़ करे हैं किए हैं और आपको आज बताएंगे कि आप उस चीज़ से कैसे सिक्योर हो सकते हैं और आप जो है आराम से उसको जो सेशन को हटा सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर पैरेलल में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 3 लाइन मिलेगा, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है नीचे आएंगे एक्सप्लोर करके और यहाँ पर जो है सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा सेटिंग, ठीक है दोस्तों, सेटिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर, थोड़ा ऑन होने दीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही ओपन कर लेते हैं सेटिंग पे और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी एंड लॉगिन यहाँ पर भी मिलेगा और उसके बाद जो है ऐप एंड वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर नीचे में सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे नहीं क्लिक करना है, नीचे वाला में क्लिक करना है ऐप एंड वेबसाइट पे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर भरमार मिल जाएगा आपका लॉगिन करने का, जैसे ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो है अब यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लॉग इन विद फेसबुक, मतलब कि आपने किस किस को
परमिशन दिया था कि आप लॉगिन करने का, जैसे FB अकाउंट से या गेम खेलते हैं, गेम में भी बहुत सारा परमिशन मांगता है कि आप FB अकाउंट से क्लिक करके उसको लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद जो आपका डाटा हमेशा सेव रहते रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है एक्टिव में मेरा वीगो वीडियो दिखा रहा है, यहाँ पर एक्सपायर में, तो ये एक्सपायर भी आपको ख़तरनाक है दोस्तों। ये एक्सपायर का ये मतलब नहीं हो जाता, यहाँ पर देख लीजिए मेरा 87 जो है यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है। तो एक्सपायर तो जैसे ही मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपको कैंडी क्रश है, हम कैंडी क्रश तो बहुत खेलते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिन्यूअल एक्सेस का ऑप्शन है तो हम इसको अभी नहीं हटाएंगे क्योंकि कैंडी क्रश ट्रस्टेड है, इसमें कोई मेरा डाटा नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर देखिए शेयर फोर शेयर, ठीक है, हैपन लाइक, ये सब को परमिशन दिए थे, मैजिक ऐप, ये मंत्रा बबल, ठीक है, ये सब, ये देखो मालू ऐप, ये गलत है दोस्तों। ये जो है इसको जो है हम लोग जो मतलब कि मालू ऐप से कुछ किए थे जिसके वजह से 18+ वाला का मतलब ये दिखाना था, क्या दिखाना था पता नहीं, यहाँ पर जो है सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो ये जो है ये गलत है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव मारेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको रिमूव मार देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो आपको लग रहा है कि नहीं ये इनलीगल है, इस तरह से आपको ऑटो लाइकर आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही रिमूव यहाँ पर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हाँ वहाँ से सेशन से हटा दिया FB अकाउंट का, उसको परमिशन उसको हटा दिए हम लोग, उसी तरह से आपका ऑटो लाइकर भी होगा, यहाँ पर डन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही डन करते हैं फिर एक्सपायर में आएगा, आपका एक्टिव में भी होगा, एक्सपायर में जो भी होगा, जो आप लग रहा है कि आपको वो गलत है तो आपको उसको हटा देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो है आपको देख लेना है, जैसे ये सब पता नहीं कब का यहाँ पर लॉग इन ही किए थे हम, ये वाला पता नहीं यार, तो ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरह से आप पूरा हटा लेना है दोस्तों। तो एक एक करके हम अब हटा लेंगे, तो आप जो भी है इस तरह से लॉगिन भी करके इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये हम लोग का डाटा चुरा सकता है और गड़बड़ कर सकता है दोस्तों, इसीलिए जो है इसका एक एक करके हटा लेना। और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हमने क्या क्या ये किए थे, ये सब तो ये सब बेकार है, जैसे कि ट्राई बॉर्न फन, ये क्या है पता नहीं, हम कब किए थे पता नहीं, ये सब देख मी सिंपली सी, ये सब क्या है, HI5 पता नहीं कब इसको लॉगिन और परमिशन दिए थे, बाहुबली गेम को तो हम दिए थे, फन मिक्स US पता नहीं ये कब दिए थे, यहाँ पर UC ब्रोजर भी ID है, इसको भी ब्लॉक मारना है, टूरली मेडली ये तो हम दिए थे, इसको पता नहीं, लेकिन इसको दिए थे ये भी नहीं पता है दोस्तों, ये ओपेरा मिनी को शायद हम दिए थे, लेकिन ये जो है लक लाइक ऐप, देखिए ये खतरनाक ऐप है, इसको जो है रिमूव मारना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको जो है जो लग रहा है कि नहीं हमने परमिशन दिया है, ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, उसको जो है बाद में आप जैसे लॉगिन करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अभी एक्सपायर हो चुका है, उसका लॉगिन का जो सेशन है उसको एक्सपायर हो गया, इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि है, यहाँ पर पूरी देख लीजिए, यहाँ पर 87 है, पता नहीं कब कब हमने ये किया था, हाउ ये कमीना आर यू, देखिए यहाँ पर है हाउ कमीना आर यू, पता नहीं ये कब किए थे, इसको भी हटा देना है दोस्तों। तो आप जो है हम इसको अब पूरा दिखाने वाले नहीं हैं, लेकिन इस तरह से हम दिखा दिए, मेरा अब पता नहीं डाटा कितना चोरी किया है हमको नहीं पता, बट ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो है फिर से रेनबल हो जाएगा, जैसे उस पर 60 GB में जाएंगे फिर से वो रेनबल हो जाएगा। तो आप जो ये काम कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आकर के पूरी तरह से इसको एक्सपायर वाला में या फिर एक्टिव में जो भी होगा, एक्टिव में भी होगा, यहाँ पर एक्टिव में एक ही दिखा रहा है क्योंकि वीगो वीडियो को जो है हम ही परमिशन दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो अगर जो आप नहीं चाहते उसको परमिशन देना, उसका यूज नहीं करते तो वहाँ से उसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। और ऑटो लाइकर जैसे देखे दोस्तों, जैसे कि आप ऑटो लाइक करते हैं उसको तो हटाना है, सबसे पहले उसका काम कीजिए, क्योंकि वो आपका अकाउंट को टर्मिनेट करवा सकता है आपका अकाउंट, कैसे मैंने ही बताया कि आप मेरा दोस्त का कैसे हुआ, एकदम पूरी तरह से उसको हटा देना है दोस्तों, आपको रखना नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आशा करता हूँ कि आपका FB अकाउंट भी सिक्योर रहेगा, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक उससे पहले करते हैं आपसे गुजारिश कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। FB अकाउंट में ये वीडियो सबके अपने दोस्त पर जाना चाहिए, टैग करके भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज जो है सबको पता चलना चाहिए कि किस तरह से जो है
अपना FB अकाउंट को सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसे कोई हैक नहीं कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।